की बात कर लेते हैं संक्षिप्त में। चंद्रमा भावनाओं का कारक क्या? भोजन, जल, वनस्पति, समुद्र, औषधि, स्त्री, सच्चाई, सिंचाई, सिंचाई एग्रीकल्चर की सिंचाई, कानून, कला, तालाब, इन सब का कारक चंद्रमा माना गया। चंद्रमा पोषक क्या? चंद्रमा पोषक है तो पोषक को पार्वती माता से रिलेट किया गया कि पार्वती माता को संसार चलाने का भी दायित्व दिया गया, तो पार्वती माता से रिलेट किया गया पोषक मतलब पालन पोषण। चंद्रमा की गति बहुत तीव्र है तो चंचल है तो यात्रा का कारक भी माना गया। चंद्रमा लिक्विड मनी का कारक माना गया, मौसी का कारक माना गया, तो यहाँ पे दूध का कारक भी, दूध माता दूध कनेक्टेड, तो माता दूध का पालन पोषण से कनेक्शन, तो माता दूध पालन पोषण का कारक माना गया। चंद्रमा विवाह उपरांत खासतौर से फीमेल की पत्नी में सास का कारक बनता है क्योंकि सास मां सम्मान ससुराल में। चंद्रमा विदेश यात्रा फल दुगंध सिल्क कपास ठीक शीतलता कला स्त्री चंद्रमा की इससे पहले दश प्रजापति जी की 27 पुत्रियां थी, उन 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से हुआ और जो कि 27 नक्षत्रों के नाम से जाने गए। दश प्रजापति जी की एक और पुत्री थी जिसका नाम था रति, जिसका विवाह कामदेव से हुआ, और दश प्रजापति जी की एक और पुत्री थी जिसका नाम था सती, जिसका विवाह भगवान श्री शंकर से हुआ। चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई। समुद्र मंथन में बहुत सारी चीजें मिली, उनमें दो चीज थी, एक विष और लक्ष्मी माता जी। तो लक्ष्मी माता और विष और अमृत, इन तीनों का कनेक्ट समुद्र चंद्रमा से डायरेक्ट बना। तो लक्ष्मी माता एक प्रकार से चंद्रमा की बहन कहलाई। तो लक्ष्मी माता भगवान श्री विष्णु की अर्धांगनी, तो भगवान श्री विष्णु के साले भी कहलाए। प्लीज अपनी ऑडियो बंद करें। अब चंद्रमा चंद्रदेव की चंद्रदेव के साथ विष और अमृत दोनों कनेक्टेड है। चंद्रदेव एक जगह पे अमृत भी है तो एक जगह पे विष भी है, और ये बात आपको सबको पता, सारे ज्ञानी लोग बैठे हैं, जब शनि के साथ मिलते हैं तो विष बनते हैं और जब गुरु के साथ मिलते हैं तो अमृत वाला काम भी होता है, ये सब ज्ञानी लोग बैठे हैं। चंद्रदेव चंद्रदेव को शाप प्राप्त हुआ दश प्रजापति के माध्यम से, जब उन्होंने अपनी उनकी पुत्रियों पे ध्यान नहीं दिया, जो सब कहानियों में चर्चित है कि रोहिणी पे ज्यादा ध्यान दिया, तो उनको शाप प्राप्त हुआ जिससे उनकी जो आकर्षण था वो चला गया। चंद्रदेव ने भगवान श्री शंकर की तपस्या करी, भगवान श्री शंकर की तपस्या करने से उनको वर प्राप्त हुआ, उस वर के माध्यम से 15 दिन जो है शुक्ल पक्ष के माने गए, 15 दिन कृष्ण पक्ष के माना गया, और जो शुक्ल पक्ष के 15 दिन माने गए चंद्रमा को मिले वो परोपकार के रूप में मिले, बेसिक जो उन्होंने भगवान श्री विष्णु की जो उन्होंने तपस्या करी उसके माध्यम से। इसलिए चंद्रमा के जो 15 दिन होते हैं शुक्ल पक्ष के वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो परोपकार के दिन है, उसके माध्यम से मिले उन्हें, और जो कृष्ण पक्ष के दिन है वो शाप है, इसलिए वो अशुभ हो गए।
अब चंद्रमा के साथ, चंद्रमा की 27 पुत्रियों से शादी हुई दश प्रजापति की। चंद्रमा के साथ कामधेव और भगवान श्री शिव शंकर जी का जो विवाह हुआ वो भी दश प्रजापति की पुत्रियों से हुआ, तो वो उनके साढ़ू लगे एक प्रकार से। चंद्रमा फास्टेस्ट प्लेनेट माना गया और जल्दी जल्दी अपनी कलाएं बदलता है, तो 16 कला युग माने गए जिसको भगवान श्री कृष्ण से नवाजा गया। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही 16 कला युग माने गए। ये चंद्रमा की छोटी विशेषताएं हैं। इस विशेषता पे एक लंबा चैप्टर है जो कि रिमोट्स के फॉर्मेट में मैंने आपको दिया है। पहले वाली क्लास को मैंने शायद दे चुके हैं ऑलरेडी मेरी टीम, बट आपके पास भी आ जाएगा वो आगे नोट्स के माध्यम से। मंगलदेव की चर्चा और कर लेते हैं। मंगल देव के बाद हम चलेंगे। मंगल देव इज वेरी इंपॉर्टेंट। शक्ति और बल का प्रतीक मंगलदेव, पट्टों के मामला रक्त का मामले का कारक मंगलदेव, शक्ति जोश अनुशासन क्षमा साहस का कारक मंगलदेव। मंगलदेव को कार्तिकेय भी माना गया और देवताओं का सेनापति माना गया। मंगलदेव को सेना पुलिस अधिकारी पराक्रम माना गया। ऐसा माना गया भगवान शंकर और भगवान माता पार्वती के मिलन से मंगलदेव की उत्पत्ति जो हुई वो कार्तिकेय के माध्यम से हुई, कार्तिकेय के नाम पे हुई। और इन्हीं के माध्यम से भगवान श्री गणेश की उत्पत्ति भी हुई जो कि बुध माने जाते हैं। और आप लोग लाल किताब में पढ़ते हैं मंगल बध, बुध और मंगल युति समाती नहीं है, तो कहानियों के माध्यम से अगर आप देखें तो कार्तिक और गणेश जी में पटती नहीं थी।